और जन्नत में मेरे नौजवानों, एक मर्द को 72 हूरे मिलेंगे। कितनी हूरे मिलेगी? यहाँ तो ये कम परेशान जाओ, अब वहां 72, अब कुर्बान जाओ वो बड़ी फरमा बरदार हूरे होंगी। लेकिन नौजवानों सुनो, हूरे किसको मिलेगी? जिसने दुनिया के अंदर में अपने दामन को गुनाहों से बचाया है, अपनी निगाहों को जिसने गुनाहों से बचाया है, जिना से जिसने अपने आप को बचाया है, अल्लाह का खौफ अल्लाह का डर जिसके दिलों के अंदर में समाया है, जो दीन पर अपनी जिंदगी गुजारी है, जन्नत की बहारें तो उसको मिलेंगी। हम अपने नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं कि मेरे बच्चों, नबी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी जिंदगी में संभालो, नबी की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह फिर दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सफल। देखो, जिना सिर्फ दो औरत और मर्द का मिलने का नाम जिना नहीं है। जिना हाथ का भी है, जिना आंख की भी जिना है, पैर की भी जिना है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए कुरान में अल्लाह ने कहा है, गैर मोमिनो जब तुम रास्ता चलो तो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को कि ताकझांक करो, पहली नजर माफ है, पहली नजर, अरे बोलो भाई, हाँ पहली नजर माफ है। मान के रास्ते में मैं चल रहा हूं, किसी औरत पर, गैर महरम औरत पे नजर पड़ गई, तो नजर को झुका लो, निगाहें हटा लो, कुर्बान जाओ ये माफ है, लेकिन टुकुर टुकुर देखना ये माफ नहीं है। फिर धुलैया होगी। हम ये कहते हैं ताक झांक करने की जरूरत क्या है, पसंद है, पसंद है निकाह करो, ये आसान तरीका है भाई, इसमें ताक झांक करने की क्या जरूरत, अरे निकाह ना करवा, निकाह करो, दूसरी पसंद है उससे भी निकाह करो, तीसरी पसंद है उससे भी निकाह करो, चार पसंद तो अगर निकाह करो, इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही है, इससे पता चलता कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। अल्लाह का कुरान कहता है माता बलकु मिनन निसाई मसना व सलासा वरोबा, एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो, लेकिन सुनो आगे आयत कहती है, मेरा अल्लाह कहता है अगर तुम इंसाफ कर सको तब चार करो, अगर तुम अदल कर सको तब तुम चार करो, अगर इंसाफ अदल नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। कितना काफी है? और सुनो, जो हलाल कमाई से एक बीवी को नाप खिला सकता हो, कपड़ा नहीं पहना सकता हो, बनाओ सिंगार का सामान नहीं लाकर दे सकता हो, बीवी बीमार पड़ जाए तो दवाई नहीं करा सकता हो, बदन में ताकत नहीं है, अब कुर्बान जाओ, तो फिर वो एक भी मत करो, वो एक भी, तो फिर क्या करो भाई, वो एक भी मत करो फिर क्या करो? तो सुनो, हम मशवरा देते हैं, करो ये, एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म, ताक झांक मत करो, ताक झांक मत करो, अपनी निगाहों को बचाओ। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों से अपने दामन को बचाओ। जो नौजवान पाक रहेगा इंशाअल्लाह अल्लाह उसे पाक बीवी देगा, जो नौजवान अपने दामन को पाक रखेगा इंशाअल्लाह उसे पाक औरत नसीब होगी। इसलिए बताया गया कि जवानी की इबादत अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा है।
जवानी की इबादत को अल्लाह पसंद करता है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह के 4:30 बजने को है, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने साबिका गुनाहों से तौबा करो मेरे बच्चों। ये मोबाइल बड़े काम की चीज है, लेकिन सुनो, अगर इसको सही इस्तेमाल करो, काम का चीज है, अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे, कसम खुदा की दिन भर अपने पॉकेट में गुनाहों की गठरी लेकर फिरते रहोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे दुनिया का कोई इंसान देखे या ना देखे, कोई मखलूक देखे या ना देखे, लेकिन ये ईमान तो कर लो कि कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। ये जो बैठे हैं कंधे पर, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ। ये अल्लाह के मुअज्जज़ फरिश्ते 24 आवर्स 24 घंटा हमारे कंधे पे ड्यूटी करना है। ये कहां गया, कितना ना जान गया तुमने, देखल कमरा को खिड़कियों बंद दरवाजो कोई नहीं देखा, अरे खिड़की बंद कर दिए, दरवाजा बंद कर दिए, और कुर्बान जाओ। ये तो नोट किया, ये इसका कलम चलता रहा। आओ फरिश्तों को भी साइड करो, अरे मुसलमान हो इतना तो यकीन करो, कोई देखे या ना देखे, मेरा खुदा देखता है, मेरा अम्मा देखता है। इंशाल्लाह साबिका गुनाहों से तौबा करके उठेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह, हम अपने नौजवानों को, बच्चों को राजी किए हैं कि अपने गुनाहों से तौबा करो। या अल्लाह, हम सब तौबा करते तेरी बारगाह में। या अल्लाह, अपने महबूब के सदके में हम तमामों की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोला था, तीन बोल बोलो मेरे साथ में इंशाअल्लाह, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ए नौजवानों सुनो, गुनाह ये जमीन के जर्रा से भी ज्यादा क्यों ना हो गया हो, आसमान के सितारों से भी ज्यादा क्यों ना हो गया हो, दरख्त के पत्तों से ज्यादा गुनाह क्यों ना हो गया हो, समंदर के झाग के बराबर तुम्हारा गुनाह क्यों ना हो गया हो, तुमने गुनाह से जमीन से लेकर आसमान तक भर दिया है, इंशाल्लाह ये तीन बोल बोलो, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। बोलो सारे लोग बोलो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। हदीस के अंदर में आता है कि बंदा जब गुनाह करता है जमीन पर, ये जमीन कहती है कि या अल्लाह, अगर तेरा हुक्म हो तो मैं फट जाऊं, इसको अपने अंदर समेट लूं। मेरा अल्लाह कहता है जमीन खामोश हो जाओ। आह, अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं कि मौला, ये तेरा बंदा गुनाह किया है, तेरी इजाजत हो तो सर कलम कर दूं। मेरा रब कहता है, फरिश्ते खामोश। समंदर कहता है कि मौला, तेरी इजाजत हो तो चढ़ जाऊं। मेरा अल्लाह कहता है कि समंदर खामोश हो जाओ, ऐ जमीन खामोश हो जाओ, फरिश्ते खामोश हो जाओ, मैं जानूं मेरा बंदा जानूं। है कोई इतना प्यार करने वाला, है कोई इतनी मोहब्बत करने वाला, है कोई बीवी इतनी मोहब्बत अपने शौहर से करके दिखाए, है कोई बाप अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करके दिखाए, है कोई रिश्ता ऐसे रिश्तेदारों से मोहब्बत करके दिखाए जितनी मोहब्बत मेरा अल्लाह अपने बंदे से करता है। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है, ऐ जमीन खामोश हो जाओ, फरिश्ते खामोश हो जाओ, समंदर खामोश हो जाओ, मैं जानूं मेरा बंदा जाने, मैं तो इस इंतजार में हूं। अरे मेरा अल्लाह कहता है, मैं इस इंतजार में हूं, कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा, कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा, मैं इस इंतजार में हूं। वो रब कितना प्यारा है जो अपने बंदे की तौबे का इंतजार कर रहा है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जब भी कोई गुनाह हो जाए ना, तौबा कर लेना। दिन में 70 मरतबा अगर गुनाह हो जाए ना, तो 70 मरतबा तौबा कर लेना, मेरा अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है। मुअज्जज़ सामईने किराम, तुम्हें ये कह रहा था कि ये मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमान रसूल है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कौन है? मेहमान रसूल। और कुर्बान जाओ,
मेहमान रसूल और जानते मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का मकाम ये है कि अगर ये दुआ के लिए हाथ फैला दे तो जमीन व आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। ये स्कूल का बच्चा नहीं है, ये कॉलेज का बच्चा नहीं है, यूनिवर्सिटी का बच्चा नहीं है, कुर्बान जाओ ये मेहमान रसूल है, ये मदरसे का बच्चा है, ये कुरान पढ़ने वाला बच्चा है, ये हदीस पढ़ने वाला बच्चा है, कुर्बान जाओ। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा कहना यही था कि अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया और जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके बाप के माँ के सर पे नूरानी ताज सजाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह उसके बाप को ताज पहनाएगा, अल्लाह उसकी माँ को ताज पहनाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, दुनिया के कोई ऐसे मजहब नहीं है सिवाय इस्लाम के, ना ऐसी कोई किताब है किसी मजहब के पास में सिवाय इस्लाम के। ये वो किताब है कुरान, जिसको हम लोग कुरान कहते हैं, जो कलामुल्लाह है। कुर्बान जाओ, ये वो किताब है नौजवानों, ये वो किताब है मुसलमानों। कुर्बान जाओ, कोई मुसलमान छू ले, अल्लाह छूने का सवाब दे देगा। और सुनो, मुस्तफा कायनात ने इरशाद फरमाया, जो भी कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। कुरान को जो देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा, और जो कुरान पढ़े उसका मकाम क्या होगा? बात समझ में आ रही है? अरे जो देखे कुरान अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा, और जो पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे इसमें हैं जो बचपन में कुरान पढ़ा था, नौजवान हो गया, कभी कुरान खोलकर नहीं देखा, भूल गए। तो मेरे बच्चों सुनो, कुरान को भुलाओ मत। कुरान जो भूल जाएगा उसकी सख्त सजा है। एक बात याद रखना, जो कुरान पढ़कर भुला दिया, हशर के मैदान में उसका आधा धर एक तरफ सर जाएगा, आधा धर एक तरफ सर जाएगा। तो अहले महशर यो पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि ये कौन है, कौन सा गुनाह किया दुनिया में, आधा बदन एक तरफ सरा हुआ है, आधा बदन एक तरफ सरा हुआ है, जिस्म अलग हो गया है। तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो शख्स है जो दुनिया में कुरान पढ़ा था और कुरान को भुला दिया। मदरसा पैगाम देता है, कुरान भूल गए हो तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 10 से 15 20 मिनट निकालो, मदरसे में आके बरा बैठो, इमाम साहब के पास बैठो, हाफिज साहब के पास बैठो, कारी साहब के पास बैठो, हजरत 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, इंशाल्लाह कुरान नहीं पढ़े हो, रोजाना 10 मिनट निकालो, 3 से 6 महीने नहीं गुजरेंगे, इंशाल्लाह तुम कुरान पढ़ना सीख जाओगे, इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कम से कम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम मर जाओगे ना तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। ये दुनिया नादान दुनिया है, हर कोई चाहता कि ना मदरसा में बच्चा के ना पढ़े, तो कहां पढ़े वो? बोला हमारे बेटा इंजीनियर बन, बहुत अच्छी बात, बनाइए शौक से बनाइए। हम तो कहते हैं इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, बीटेक भी कराइए, एलएलबी भी कराइए, एमबीबीएस भी कराइए, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कराइए उस पर मरिए मत। दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नजरअंदाज कर देना, दीन के पढ़ाई को छोड़ देना, ये
सबसे बड़ी जहालत है और बेवकूफी है, नादानी है। कुरान का ये हक है कि कुरान को सिर्फ रखा ना जाए बल्कि कुरान की तिलावत किया जाए। जो दुनिया में कुरान के हक को मारेगा हशर के मैदान में वो अल्लाह का मुजरिम हो। इंग्लिश मीडियम स्कूल, मैं एक बात याद रखना मुसलमानों, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अब चाहे मधेपुरा की सरजमीन हो, चाहे पूर्णिया हो, अररिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, सुपौल हो, सहरसा हो, चाहे बंगाल की सरजमीन हो, चाहे वो बर्दवान हो, चाहे वो हावड़ा हो, चाहे वो उड़ीसा की सरजमीन हो, कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को पढ़ाओ, वहां पर सलाम सिखाया नहीं जाता है और बच्चे को बैठ कर पेशाब नहीं करता बच्चा, वहां खड़े खड़ा पंप सेट स्टार्ट करता है। और अभी तो आलम यह है कि कितने स्कूलों के अंदर में कुर्बान जाओ हमारे बच्चों के ईमान पर भी खतरा है। ऐसे ऐसे तराना पढ़ाए जाते हैं, कुर्बान जाओ जो मुसलमान पढ़ ले उसका ईमान खत्म, और ईमान खत्म हो गया तो फिर कुछ रहा ही कहां, कुछ बाकी नहीं रहा। हम मना नहीं करते हैं, इंग्लिश पढ़े मेरा बच्चा, मेरी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है, लेकिन कुर्बान जाओ मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ेगा, दुनिया का हर भाषा मेरा बच्चा पढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए, अपने बच्चे को लेकर एडमिशन कराने के लिए मधेपुरा जाइए ना, कम से कम 5,000 रुपए एडमिशन फीस। बोला बात सही थी गलत है? बोला अरे बोलो भाई, आइए मदरसा में, कितना एडमिशन फीस? 1 करोड़। मधेपुरा स्कूल में ले गए बच्चा को, एडमिशन करा दिया, 5,000 टका दे दिए, हम घर आ गए, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A4A9 मैंने छुट्टी, B4 बोर बन गया, C4 कैट कर में बिल्ली, B4 डॉक्टर कुत्ता, E4 एलिफेंट, एलिफेंट हाथी, F4 फॉक्स लोमरी, H4 हैन मैंने मुर्गी। 5,000 टका दे के हैं बच्चा को मुर्गा मुर्गी कुत्ता बिल्ली पढ़ा। मना थोड़े कर, वही बच्चा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। सुनो मुसलमानों, एडमिशन करा के आया, 2-4-5 दिन 10 दिन के बाद बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इकलौता बेटा, बाप का इकलौता बेटा, कोहराम मच गया, ओ फला अच्छा था हार्ट अटैक आया मर गया, यकी बेटा यकी औलाद। ओ कुर्बान जाओ रिश्तेदार जो जमा हो गए, तो किसी ने कहा कि मरने वाले का यकी बेटा है मधेपुरा स्कूल में पढ़ रहा है। एक आदमी जाओ मोटरसाइकिल लेके बच्चा को लेके चले, 5 साल का बच्चा है, अपने बाप के कब्र पे मिट्टी डाल देगा। उसके भाई मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, मधेपुरा स्कूल गया, छुट्टी लेकर के बच्चा को लेके आया, जनाजा उठा, जनाजे की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान गया, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई मरने वाले का एक ही तो बेटा है बच्चा है, साथ में ले लो, बाप के कब्र पे मिट्टी डाल देगा। करेंगे नहीं करेंगे भाई? बोलो भाई, अरे होगा कि नहीं होगा? तो लोगों ने साथ, उसके भाई जो चचा थे वो साथ ले लिया कि बेटा चल, चला गया कब्र में रखा गया मरने वाले। सारे लोग आए, मिट्टी दे चले गए। किसी ने बच्चे से कहा कि बेटा तुम्हारा अब्बा है, तुम्हारे अब्बे की कब्र है, मिट्टी डाल दे। ये मासूम बच्चा अपने हाथों में मिट्टी उठाया, 3 मुट्ठी मिट्टी डाल दिया, सारे लोग चले गए। तो चाचा बोला कि बेटा ये तुम्हारे बाप का कब्र है, थोड़ा कुछ भी याद तो पापा बरम्पर ही गए, कुछ याद है बाप के कब्र में पढ़ दो। तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ बोलता है? अरे बोलो भाई। तो बच्चा बोला कि हाँ याद छे चचा हमारा, बोला पर ईद है बापा कब्रों पर ईद है। तो बच्चा बोला ये 4A9 मैंने छुट्टी, B4 बोर मैंने गया, C4 कैट कर मैंने बिल्ली, D4 डॉग को आई, 4 एलिफेंट मैंने हाथी, F4 फॉक्स लोमड़ी, H4 हैन मैंने मुर्गी, ये अल्लाह कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सब मेरे बाप के कब्र में घुस गया। अच्छा क्या पढ़ेगा? अरे बच्चा को जो याद रहेगा वही पढ़ेगा।
मेरी बातों को हंसी में ना डालो मुसलमानों, वही नौजवान अगर अपने उस बच्चे को इस मदरसे के अंदर में लाकर रख देता, दाखला करवा देता, हजरत उस बच्चे को सूरह इखलास याद करवाए होते, सूरह कौसर याद करवा दिए होते, सूरह फातिहा याद करवा दिए होते। यही बच्चा सूरह इखलास सिर्फ तिलावत करके रब की बारगाह में दुआ कर देता तो अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता। इंशाल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे हाथ उठाएंगे इंशाल्लाह। हम ये नहीं मना नहीं करते आप कि अपने बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाइए, अल्हम्दुलिल्लाह पहले कुरान पढ़ाइए फिर इंग्लिश भी पढ़ाइए, संस्कृत भी पढ़ाइए, मराठा भी पढ़ाइए, पंजाबी भी पढ़ाइए, इंग्लिश भी पढ़ाइए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो बताइए क्या अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ा पाए, बेटा जवान हो गया, वक्त निकल गया है, अब वक्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखो, यह कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल कयामत के दिन हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में होगा। यह कुरान किसकी शक्ल में होगा? मिसाल के तौर पर ये कुरान है, आज किताबी शक्ल में है, पलटिएगा किताब, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन ये इंसानी शक्ल में होगा, इंसान बनेगा, कुरान इंसान होगा, अब बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा, मेरा अल्लाह कहेगा कि तू कौन है, जबकि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन, ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान, तेरे साथ कौन, या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये हमारी बहुत इज्जत किया करता था, कभी होठों से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था, कभी सीने से लगाता था, कभी तिलावत करता था, या अल्लाह तेरा जो अहकाम था उस पर अपनी जिंदगी गुजारता था, दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया है, इसलिए आज मैं इसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता क्या है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह आज मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरा रब ऐलान करेगा जा इनके हाथों को पकड़, जन्नत के अंदर में दाखिल कर। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं, हाथ उठाओ इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले आइए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। कितनी दुआ करेंगे? वो लोग भी शामिल हो जाना जो बीमार हो, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहे हो, वो लोग भी शामिल हो जाना जो परेशान हो, घर में उलझन है, बहुत परेशानी है, वो लोग भी शामिल हो जाना, वो लोग भी शामिल हो जाना, कारोबार करते हो नुकसान ही नुकसान है, फायदा नहीं हो रहा है, वो लोग भी शामिल हो जाना, जिसके घर में सुकून नहीं है वो लोग भी शामिल हो जाना, जो पैसे आते हैं घर में बरकत नहीं। मुझे 5 आदमी चाहिए, 10 दुआ मैं कर दूंगा, खड़े खड़ा ये हजारों लोग उस दुआ पर आमीन कहेंगे, उलमाए किराम उस दुआ करेंगे इंशाल्लाह। मेरे भाई कुरान से मोहब्बत करने वाला है कोई ऐसा? है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से 5,000 रुपए देने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला कोई एक सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान। ए देखिए माशाल्लाह, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। ये देखिए नौजवान आ गया माशाल्लाह। ए बेटा नाम लिखा, नाम मुर्शिद आलम। ए मोहम्मद मुर्शिद आलम, देखिए नगद है तो नगद दे दिए, नगद नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल लाकर हजरत के हवाले कर दिए। अच्छा सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दिए, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई, कोई बड़ी रकम नहीं, कसम खुदा की कोई बड़ी रकम नहीं है। सुनो, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, दिल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, उसके लिए कुछ नहीं। खुदा ना खास्ता घर में कोई हादसा हो जाए, अभी मधेपुरा सहरसा हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए तो 10-20-50 हजार तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज 5,000 दे दोगे अल्लाह बला से बचाएगा, अल्लाह वबा से बचाएगा, अल्लाह हादसा से बचाएगा, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। सदका करो, सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, सदके में वो बरकत है।
कभी बुरी मौत नहीं मरोगे, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। बीमार अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो, अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो। ए अल्लाह ये नौजवान की नाम थी मुर्शिद, ए अल्लाह ये नौजवान मोहम्मद मुर्शिद ने ए अल्लाह तेरे महबूब के घर के लिए 5,000 रुपए दान किया है। अल्लाह इना दान पे कबूल करे नो, अल्लाह इक उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान में अमल में खेत में खलियान में बिजनेस में तिजारत में कारोबार में बरकत दे। अल्लाह मुर्शिद साहब के माँ बाप को करबर करबर जन्नत फिरदौस आला सलाम अकामत फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। ए दूसरा नौजवान है भाई दूसरा, ए माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई, क्या नाम बाबू? हाँ, घर भी लिख लीजिए, आप मोबाइल नंबर ले लीजिए, बात करने में अच्छा है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ, झमेले खत्म हो गए। माशाल्लाह, दूजन हो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, तीसरे नंबर पे कोई सखी है? अरे तीसरे नंबर पे कोई सखी, जल्दी 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 तैयार हो, सोचते क्या हो? अरे जिस अल्लाह ने दौलत दिया इंशाल्लाह फिर वही अल्लाह देगा, वही अल्लाह देगा इंशाल्लाह। हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ, खुलूस के साथ, अपने माँ बाप की साल और सवाब की नियत से इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे है कोई नौजवान? तीसरे नंबर पे कोई सखी है? है कोई मुसलमान? ए माशाल्लाह, ए मेरा भाई, नारे तकबीर, ये बच्चा 5,000। हाँ, उनके वालिद मतलब। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे। अरे एक शेर सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा, हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा, हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। कत जन होलो? अरे कत जन होलो? 4 जन हो लो। हाथ की उंगलियां 5 हैं, दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। है कोई 5वें नंबर पे एक सखी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, खुलूस के साथ, अखलास के साथ। ए मेरा भाई, 5वां भी आ गया है। मारा भाई हजरत नारा लगा दी, नारे तकबीर, मरशाही बारी के जिंदा मुसलमान। मोहम्मद निजाम भाई, घर मिर्चाई बारी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे निजाम भाई के दान को कबूल करे। निजाम भाई की उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान में अमल में खेत में खलियान में दाने दाने में बरकत दे। निजाम भाई के वालदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस आला सलाम अकामता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, जो दान पुण्य सदका खैरात जकात हमेशा देते रहा है, वो देगा, वो जरूर देगा। आज जो कभी नहीं दिया है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, ये 1 टका नहीं देगा। बोला बात सही है, गलत है? बोला वो अठन्नी नहीं देता तोरा। एक बात याद रखिए, अच्छा कोतो जन हो लो? 5 हो गेलो जी, 5। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 दिन 6 हुए अल्लाह जमीन के बराबर ने किया था, फरमाएगा 6ठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ। बस ये लास्ट होगा 6ठे नंबर। एक बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था,
बड़ा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, हदीस के अंदर में आता है बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में। अरे बोलो भाई, ए आ गया है, देखे छठा नंबर आ गया हजरत, लिखिए वहां लिखिए वो छठे नंबर पे वाले आ गए। वाह भाई कान में फुसफुसा रहे हैं, लिखिए माशाल्लाह। वाह भाई वाह, क्या नाम है? हाँ कैश में देगा भाई, मोहम्मद मकबूल। देखिएगा बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में, बोलिए। बखील के चार क्वालिटी हैं, क्या क्वालिटी है? चार, गिनती करो बखील कितना हुआ, कंजर, कंजूस, मक्खी जूस। हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बखील है वो जन्नत में नहीं जाएगा, जो कंजूस है वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो चाहे जितनी नमाज हो पढ़ ले, अगर वो बखील है कंजूस है जन्नत में नहीं जाएगा। ओ जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है कंजूस है जन्नत में नहीं जाएगा। और कुर्बान जाओ जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है कंजूस में जन्नत में। अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत से दूर, अल्लाह से दूर, जहन्नम के करीब। आज जो सखी है अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। इसलिए मुसलमान और सखी बनो। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया, दौलत दिया, सोना दिया, चांदी दिया, तुम खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई जल्दी बोलो। खर्चा करने में फायदा है, और कुर्बान जाओ। अल्लाह उस बच्चे को हाफिज कुरान बना, माशाल्लाह। ये 500 रुपया छोटा सा बच्चा दिया है, माशाल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। तो ये बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी, जो भी दरबार में आता खाली हाथ नहीं जाता। इसका इसका अपोजिट उसकी बीवी जो थी बहुत बड़ी कंजूस, बीवी कंजूस, शौहर सखी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली, सोचा बाजार में बेचेंगे, कीमत नहीं मिलेगी, बादशाह को दे देंगे, इनाम मिलेगा। वो मछुआरा मछली लेके दरबार पहुंचा, बादशाह से कहा कि हुजूर ये मछली मैंने पकड़ी है नदी से, आपके लिए लाया। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, अपने वजीर से कहा कि इसको 200 दिरहम इनाम दे दो। कितना दे दो? तो उसकी बीवी बोली कि तो दिमाग खराब है, छोटो मछली को 200 टका, मछली नहीं लेना है, मछली वापस कीजिए, पैसा वापस कीजिए, मछली दी। बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी तुम्हारा दिमाग खराब है, हम बादशाह हैं, दी भी चीज वापस नहीं लेते हैं। बीवी बोली कि तुम हजने खर्च कर दिए, नाश्ता बंद भाई तुम, हमको मछली नहीं चाहिए, एक आइडिया है पैसा वापस करने का। तो बादशाह बोला क्या आइडिया है बोलो। तो बीवी बोली उससे पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है, अगर वो बोले नर है तो आप कहिए नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा मछली चाहिए, मछली ले जाओ, पैसा ले जाओ। वो बोले कि मादा मछली चाहिए तो आप बोलिएगा हमको नर मछली चाहिए, मसला हल हो जाएगा, पैसे मछली लेके जाएगा, पैसा रिटर्न करेगा। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? अरे कभी कभी मजबूर होता है मैं बीवी के हाथों में, ज्यादा मुड़ी मत हिलाओ, नस्तो बन भाई। बादशाह मछुआरे को बुलाया, बोला इधर आओ, ये मछली नर है कि मादा है, यानी औरत है कि मर्द है? मछली मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीज वाली मछली है। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इसको इनाम दे। और जो उसकी बीवी थी और जल घूम गई, बोला 200 हम रिटर्न के चक्कर में थे, 400 मिल गया। ये मछुआरा जब जाने लगा तो दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, वो उठाया चुम के पॉकेट में रख लिया। उसकी बीवी बोली देखिए इतना पैसा दिए इसको सबर नहीं है, चोर भी है, दरबार से सिक्का चोरी करके लेके जा रहा, बुलाइए सब पैसा छीनिए, जेल में डालिए।
बादशाह बोला ठीक, इधर बुलाओ, इधर मछुआरा को बुलाया। बोला कहा ये सिक्का कहा उठाए? तो मछुआरा बोला कि हुजूर ये सिक्का में आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है, जमीन पे गिरा हुआ था, कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए हम उसको उठा के चुम लिए, पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है वो करके रहेगा, जो दान करके आया है वो दान करता रहेगा, और जो बखील है, कंजूस है, जो कभी खर्च नहीं किया है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दीजिए, अठन्नी नहीं देगा। तो कतो जन हो लो? छह हो गए। ए माशाल्लाह, जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। एक आदमी बस, ये लास्टे होगा। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, लास्टे होगा। है कोई नौजवान, कोई सखी माँ का चहीता बेटा, लाखला बेटा, कलेजी का टुकड़ा बेटा, इंशाल्लाह 5,000 टका दिए दो, आमी तुम्हार जुन्ने दस्ते दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई? ए नौजवान आ गया, माशाल्लाह, वाह, मुस्कुराता हुआ आ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, औलमाए किराम, जनाब हजरत मौलाना सहराब साहब चांदानी, मोहम्मद मस्तान, माशाल्लाह, अपने अब्बा के नाम, माशाल्लाह, अल्लाह इनके अब्बा को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस आला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो? 7। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। एक आदमी।